सब करके भागे हैं घर से, बिहार लौट न पाएंगे। ठीक है, एकदम ठीक है। ओनीगिरी खाएंगे, वन पीस में बस जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ। अभी मैंने जो क्लिप बजाया वो कहीं से भी जापान के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट नहीं करता। जापान के कल्चर की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। तो स्वागत है यार तुम सभी वेलेओ का मेरे चैनल एनिमे लवर पे। और मुझे पता है कि तुम वेले नहीं हो, बट वेला बोलना साउंड करता है बहुत बहुत कूल। मुन्ना बात ऐसी है ना कि ये वीडियो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में बना रहा, एक हफ्ते में एक वीडियो उनको अगर फीचर करके नहीं डाला तो साला पैसा नहीं मिलेगा। वैसे मेरे पास दो ऑप्शंस थे वीडियो बनाने के लिए, ये वाला वीडियो बनाने के लिए। पहला कि मैं थ्योरीज में थोड़ा दिमाग लगा के कुछ अच्छा थ्योरी वीडियो बनाऊँ। मेरे दिमाग में दो थ्योरीज हैं बट वो इनकम्प्लीट है, तो मैं थोड़ा मेहनत करके कुछ अच्छा थ्योरी बनाने की कोशिश कर सकता था। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा था कि कोई आंसर टॉप 10 बना के एक हफ्ते का टेंशन हटा दूँ। पहला ऑप्शन मेहनत वाला था और दूसरा ऑप्शन आसान, एंड किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। एंड हियर इट इज़ एन अननेसेसरी अनऑर्डिनरी अम्ब्रेला अंडरवियर टॉप 10 वीडियो अबाउट हु फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस। मांगा से कैचअप हो तो ही वीडियो देखो, क्योंकि अभी के टाइम पे मांगा में बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखी है, फीमेल कैरेक्टर्स दिखी है। एंड हाँ, दिस टॉप 10 इज़ प्योरली मेरे ओपिनियन पे, लेकिन यू नो हाउ माई ओपिनियन इज़ राइट, फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन कैरी करता है मैं। तो अगर कमेंट में गाली बकना है कि इसको ऊपर क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं, तो तुम कर सकते हो यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो। लेकिन मुन्ना, उससे पहले मैं तुमको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमने आज तक नहीं सुना होगा, बिलीबिली कॉमिक्स। यहाँ पे तुमको बहुत सारे जॉनरा के मानहुआस MANHUAS और कॉमिक्स मिल जाएंगे विद क्रेजी आर्ट। और इसका ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर में तुमको मिल जाएगा, जस्ट सर्च बिलीबिली कॉमिक्स। इस ऐप एंड वेबसाइट पे बिल्कुल भी ऐड नहीं है, प्लस ये पूरा फोकट है। एंड यहाँ पे मानहुआस डेली अपडेट होते हैं और इनका आर्ट तो चुम्मा है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से तुम डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो और ऐप प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन चेक आउट। एंड हियर इज द सेक्सी इंट्रो ऑफ द मोस्ट सेक्सी गाय ऑफ द वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। वेल, नंबर 10 पे जिस औरत कैरेक्टर को मैंने रखा है वो 36 इयर्स की तो कहीं से नहीं लगती, 36 साल की कहाँ से है भाई ये। इसको आज तक हमने शैंक से भी कम देखा है, बट क्योंकि ये ब्लैक बियर्ड के क्रू की मेंबर है, विदाउट फीट्स भी ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाती है। सेलमोन भोई को अपनी शादी में नहीं बुलाने वाली उस वक्त की दूर की रिश्तेदार कैटरीना डिवॉन। अब ऐसे तो कैटरीना कैफ के एक भी फीट्स नहीं दिखाया अपने को अपार्ट फ्रॉम हर डेविल फ्रूट एबिलिटी, बट ये ब्लैक बियर्ड के क्रू में है एंड ब्लैक बियर्ड कभी किसी वीक को अपने क्रू में नहीं लेता। प्लस डिवॉन एक्चुअली में सबसे खतरनाक फीमेल प्रिजनर थी इम्पेल टाउन की, मतलब उससे खतरनाक कोई भी फीमेल कैरेक्टर नहीं कैद थी इम्पेल टाउन में। क्वाइट पॉसिबल है कि ये इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग हो, बट क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा इसका अभी तक, आई एम टॉकिंग अबाउट फीट्स, ठीक है, गंदी सोच, इसलिए इसको मैंने 10th पोजीशन पे ही रखा है। मेरे को वैसे डिवॉन का डेल फ्रूट बहुत पसंद है, इनो इनो नोमी क्यूबी मस्त बॉन्चन के फ्रूट जैसे पूरा अपीयरेंस चेंज कर देता है। एक्चुअली डिवॉन का फ्रूट ना बेटर है बॉन्चन के फ्रूट से, क्योंकि डिवॉन के फ्रूट से डिवॉन अपना कपड़ा, आवाज़, शक्ल सब चीज़ चेंज कर सकती है, और बॉन्चन के डेल फ्रूट से बस आवाज़ और शक्ल ही चेंज होता है, कपड़ा नहीं। कैटरीना ने सेलमोन हुई को शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मैं इसको लिस्ट में इतना नीचे रख रहा है। हैशटैग फुल रिवेंज बाजी। नंबर 9 में मैंने रखा एक अप्सरा सी सुंदर कैरेक्टर को, बट दिस कैरेक्टर इज़ अ बिच। बहुत दूर लोग इसको यामाटो की माँ बोलते हैं जस्ट बिकॉज शी फ्लर्ट्स विद काइडो। इस कैरेक्टर ने मेरी फूल सी रॉबिन को चांटा मारा था, आई एम टॉकिंग अबाउट बिच मारिया। ब्लैक मारिया इज यंग येट पावरफुल, पावरफुल इनफ कि इसको काइडो ने एक टोबी रोपो का पोजीशन दे रखा है। इसका डेल फ्रूट एक एंशियंट जुआन टाइप फ्रूट है जिसका नाम है मैं भूल गया, बहुत गंदा नाम है, स्पाइडर फ्रूट का कुछ खतरनाक नाम वाला मॉडल है, जिसकी वजह से ब्लैक मारिया खुद को एक जाइंट स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड अबाउट दिस जाइंट स्पाइडर, जब ब्लैक मारिया अपने हाइब्रिड फॉर्म में होती है तब जो उसका लोअर बॉडी होता है ना, जो कि जाइंट स्पाइडर सा होता है, उसका खुद का एक फेस होता है, एंड ये फेस अपने मुंह से आग फेंक सकता है, जिसको ब्लैक मारिया अपने स्पाइडी नेट वाले अटैक्स के साथ कंबाइन करके खतरनाक अटैक्स कर सकती है। रॉबिन को इसने बहुत दिक्कत दे रखा है मांगा में, 400 मिलियन प्लस बाउंटी है इसका, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन, हाकी दोनों यूज़ कर सकती है ये। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बात कर सकता, मेरी रॉबिन को मतलब मारा था यार इसने, मैं इसको मार देगा पता है। वैसे एक फैक्ट,
ब्लैक मारिया का हाइब्रिड फॉर्म बाकी जुआन यूजर्स के जैसा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ब्लैक मारिया कोई सा ड्रग लेती है और ये ड्रग से उसका अपर बॉडी हाइब्रिड में चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका फेस का ब्यूटी मेंटेन रहता है। फक चेहरे से इतना ऑब्सेस्ड कौन रहता है बे। नंबर 8 पे आती है एक और टोबीरोप्पो आरिंसु। इस कैरेक्टर का बाउंटी एक्चुअली बहुत कम है बाकी टोबीरोप्पोस के बाउंटी से आरिंसु, बट हर फीट्स मैन इट्स क्रेजी आरिंसु। मेरा आरिंसु आरिंसु सुन के तुमको मजा नहीं आ रहा होगा, बट हमारी उल्टी चान का आरिंसु सुन के सबको मजा आता है। आरिंसु क्यूट सी है ना यार। ये उल्टी अंग्रेजी में बोले तो वॉमिट या फिर प्यूक। उल्टी इज द कैरेक्टर जो पहले यामाटो से वन शॉट हुई, फिर वापस आके नामी उस सबसे लड़ी, फिर बिग मॉम से भी लड़ी, फिर बिग मॉम से वन शॉट हुई और उसके बाद भी उठ के नामी से लड़ी और फिर जाके वो ज्यूस से, नामी से नहीं ज्यूस से हारी। शी इज अ जोशीली कैरेक्टर जो कि बिग मॉम से भिड़ गई थी क्योंकि बिग मॉम ने पेज वन को मार दिया था। आई लाइक दिस गर्ल अ लॉट। हाँ तामा को पकड़ के मारी थी ये, बट शी वॉज जस्ट डूइंग हर वर्क ब्रो, एंड बिकॉज ऑफ हर अपने को नामी का लूफी विल बिकम पायरेट किंग वाला गोल्डन मोमेंट मिला। उल्टी इज ऑल्सो यूजर ऑफ एंशियंट जोआन डेल फ्रूट, रियो रियो नोमी का पता नहीं कौन सा मॉडल का फ्रूट खाइए। ये सारे टोबीरोप्पोस का बहुत गंदा मॉडल है, पता है बहुत गंदा नाम है इसके फ्रूट का भी, पता है बहुत ही ज़्यादा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लूफी गियर 4 में जाने वाला था इससे लड़ने के लिए। मतलब इट टेल्स अस कि दिस गर्ल इज स्ट्रॉन्ग। आर्मामेंट ऑब्जर्वेशन दोनों यूज कर सकती है ये भी। हाइब्रिड फॉर्म में इसके हेडबट बहुत ज़्यादा डेडली है एंड ओवरऑल She is worthy of 8th position of this lame top 10. Pinky, Pinky, what color? रंगों में से कौन सा color? Pink color. And here is the poison pink on 7th position. Winsmook, Raiju. Raiju is an underrated character. Raiju के सारे Germa powers को बहुत लोग हलवा समझते हैं। मैं खुद ऐसा ही सोचता था अंटिल आई वॉच्ड सांझी की किंग क्वींस एस वाइल यूजिंग जर्मा शिट। रेजू के पास कमाल के पावर्स हैं। उसके पास एक्सोस्केलेटन है जिससे उसका स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। रेजू का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, इतना कि वो बचपन में ही अपने हाथों से सांझी वाले जेल का दरवाज़ा मोड़ दी थी। प्लस रेजू का फास्ट हीलिंग एबिलिटी और रेजू का सबसे बेस्ट एबिलिटी है पॉइजन वाला, वो इम्यून है पॉइजन से। प्लस वो पॉइजन को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकती है एज ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस। एक तो पॉइजन वाले पावर्स को लोग बहुत अंडररेट करते हैं, मतलब सच्ची यार कितना अंडररेट करते हो बे, वेदर इट बी मैगलेन का पावर्स या फिर सेजार का। लॉन्डो पॉइजन इज अ पावरफुल थिंग। लूफी साला पॉइजन से मरने वाला था और रेजू उसी पॉइजन को चूस ली थी। इमेजिन अगर रेजू लूफी पे बाद में पॉइजन से अटैक करती और थोड़ा सा भी लूफी को वो पॉइजन लग जाता तो रिप हो जाता अपना लॉन्डा वहीं पे। भाई काइडो से नहीं मर रहा लेकिन रेजू से मर जाता, वो भी पॉइजन से। अभी तक इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि रेजू आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज़ कर सकती है कि नहीं, बट आई एम श्योर कि वो यूज़ कर सकती है। आई एम 100% श्योर। रेजू के फीट्स की बात करें तो शी फॉट फेयरली इनफ अगेंस्ट स्मूदी, इतना फेयरली कि स्मूदी घुटनों पर गिर गई थी। उसका वो स्क्वीज वाला पावर नहीं होता तो स्मूदी जाती। आई लव रेजू एंड फॉर मी शी इज द 7th स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर ऑफ वन पीस एज ऑफ नाउ। 6 नंबर पे जो फीमेल कैरेक्टर है उसके भी फीट्स एकदम झांड बराबर है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है ना, एक मिनट कैसा बात किया मैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करती है ना उसमें कोई हलवा कैरेक्टर नहीं घुस सकता। सिलेस्टियल ड्रैगन्स को चाटने वाले व्हाइट पोशाक में खुद को चैट दिखाने वाले CP0 की ये मेंबर है, नाम है स्टसी, मोर लाइक पुसी, बट सामने के पी के बदले ST है। स्टसी के फीट्स नहीं दिखे ज़्यादा एक्सेप्ट उसने एक बार फ्लाइंग शिगान यूज़ किया था, बट क्योंकि स्टसी CP0 की मेंबर है इतना तो अपने को पता है कि उसने सारे रोकुशी किसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर कर रखा है। और स्टसी को आर्मामेंट हाकी एंड ऑब्जर्वेशन भी आता है एंड यू नो कि रोकुशिकी को हाकी के साथ इन्फ्यूज करके बहुत खतरनाक कांड किया जा सकता है। बाय द वे रोकुशिकी पे मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। स्टसी कम्प्लीटली इस पोजीशन को डिजर्व करती है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये पोजीशन से ज़्यादा डिजर्व करती है ये, बट मुन्ना इसके फीट्स नहीं है पे। इसके फीट्स कितने हैं यार, इतने तू 6 पे ही बैठ स्टसी धूर। वेल हियर कम्स माई प्यार, माई टूरू लव, माई इश्क, यू नो हु राइट, इट्स नन अदर देन रॉबिन चुआन, द 6th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रॉ हैट्स। वैसे तो रॉबिन मेरे लिए नंबर 1 है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टॉप 10 लेम लिस्ट में इस क्यूटी को इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं रख सकता। रॉबिन के फेट्स एकदम ही चुम्मा,
इसने ब्लैक मारिया को विदाउट हाकी क्रश कर रखा है, एकदम निचोड़ चुकी है बीच मारिया को। एंड आफ्टर सम रेस्ट रॉबिन अभी के टाइम पे होश में और उसमें अभी भी लड़ने का गुदा है। रॉबिन का जो हमने डिमोनियो फ्लोर देखा है ना यार, क्या ही चीज़ है वो, द अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड। डिमोनियो फ्लोर वैसे तो ब्लैक कलर सा दिखता है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रॉबिन शायद से आर्मामेंट हाकी जानती है यूज़ करना, या फिर वो बस उसी फॉर्म में आर्मामेंट हाकी यूज़ कर सकती है। एक्चुअली दैट डजेंट मैटर ना, रॉबिन ने टोबीरोपो का हराया अकेले, वो भी डिसएडवांटेज में, दैट इज़ वॉट मैटर्स। हाना हानानोमी की यूज़र है रॉबिन और इस फ्रूट को इतने यूनिक वे में यूज़ कर सकती है ये, गिगांतेस्की मानो कर देती है एकदम ब्रह वो चुमा। रॉबिन अपना ही खुद का एक बहुत बड़ा फिजिकल कॉपी बना सकती है, कॉपी वर्ड इज़ नॉट एक्यूरेट, रॉबिन अपना खुद का एक बहुत बड़ा फिजिकल बॉडी रेप्लिकेट एंड ग्रो कर सकती है। प्लस रॉबिन नोज फिशमैन कराटे टू एंड साबो के रियोसुकेन को भी थोड़ा सा जानती है रॉबिन यूज़ करना, मतलब थोड़ा सा पता है रॉबिन को, ठीक है। रॉबिन इज़ बेस्ट एंड हर फीट इन मांगा इज क्रेजी, विच इज़ वाई शी कम्स इन फिफ्थ पोजिशन ऑफ दिस शिटी लिस्ट। हियर कम्स दी नंबर फोर, कौन हो सकता है नंबर फोर? वैसे तो आई एम श्योर कि तुम्हें वो पता चल ही गया होगा कि कौन चार कैरेक्टर्स टॉप फोर में होने वाले हैं, बस एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं पता ना। नंबर फोर में आती है नन अदर देन अपनी लूफी की सिंप बोआ हामॉक। हामॉक इज़ अ रेयर कैरेक्टर जो कि तीनों टाइप के हाकीज को यूज़ कर सकती है एंड मांगा देख के वी कैन डेफिनेटली से कि हामॉक का पोटेंशियल है हाउशोकू इन्फ्यूजन का। प्लस हानकॉक का डेविल फ्रूट, एक स्वाद फ्रूट मेरो मेरो नोमी, जिससे वो किसी भी सिंप को पत्थर बना सकती है। और क्योंकि हानकॉक सबसे सुंदर है, उस पर सभी सिंप करते हैं एक्सेप्ट कुछ सिग्मा मेल्स लाइक लूफी एंड मी। हानकॉक इज अ कैरेक्टर जिसका फुल पावर अभी तक अपन ने नहीं देखा है, बट हानकॉक पक्का से पक्का एक कमांडर लेवल की कैरेक्टर तो है ही। हानकॉक इज़ एन एक्स वारलॉर्ड और ये औरत अपने वारलॉर्ड की पोजीशन को पूरी तरह डिजर्व करती थी। वो तो अच्छा है कि हानकॉक को प्यार हो गया लूफी से, वरना लूफी को जो मारती वो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पोस्ट टाइम स्किप लूफी से हानकॉक पक्का स्ट्रॉन्ग थी, शायद हानकॉक लूफी के गियर फोर को भी हरा देती वो ड्रेसरोजा वाले एटलीस्ट। वेल दिस इज़ जस्ट माई रिटार्डेड ओपिनियन जिससे तुम में से कुछ अग्री नहीं करोगे, बट एक चीज़ से तुम अग्री ज़रूर करोगे, दैट इज़ हानकॉक कोबी की फाड़ के रख देगी अगर कोबी किसी एडमिरल के बिना गया तो हानकॉक के अड्डे में। चलो चलो अब टॉप थ्री प्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स को देख लो और फिर जाओ अपना काम करने। अब तो सबको पता ही चल गया होगा राइट कि नंबर तीन पे कौन है। नंबर तीन पे है जूस निचोड़ने वाली शार्लेट स्मूदी। अब इसके भी फीड ज़्यादा नहीं दिखा है, बट एक चीज़ अपने को पता है, दैट इज़ स्मूदी प्री डब्ल्यू सी आई लूफी से स्ट्रॉन्ग थी। आई मीन लूफी डब्ल्यू सी आई की स्टार्टिंग में क्रैकर से हार जाता पक्का, अगर नामी उसके साथ नहीं होती प्लस वो रबर का नहीं होता तो। व्हाट आई एम टेलिंग यू इस प्री डब्ल्यू सी आई लूफी से क्रैकर जो कि थर्ड स्वीट जनरल है बिग मॉम पायरेट्स का, वो चूतिया लूफी से स्ट्रॉन्ग था। एंड थ्रू आउट सीरीज हमने देखा है कि थर्ड योंगो कमांडर से स्ट्रॉन्ग है सेकंड योंगो कमांडर एंड सेकंड योंगो कमांडर से स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट योंगो कमांडर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है खुद योंगो, ऑब्वियसली विद एक्सेप्शन ऑफ व्हाइट बीट पायरेट्स जहाँ पे ओडेन एक टाइम पे सेकंड कमांडर था। स्मूदी पक्का से पक्का स्ट्रॉन्गर है क्रैकर से एंड क्रैकर हद लेवल स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स कि स्मूदी भी हद लेवल स्ट्रॉन्ग है, हद लेवल से भी ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम देखो रेजू और स्मूदी का फाइट, रेजू एक स्ट्रॉन्ग किक मारती है स्मूदी को जिससे उसको कुछ नहीं होता और स्मूदी थोड़ा सा ताकत ला के रेजू को दूर फेंक देती है। अब वो अलग है कि रेजू के पॉइजन की वजह से स्मूदी को थोड़ा तकलीफ होता है, बट विथ हर डेविल फ्रूट एबिलिटी वो उस पॉइजन को हटा देती है मस्त वे में। एक्चुअली स्मूदी का डेविल फ्रूट बहुत कूल है, इट इज़ प्रिटी कूल, किसी पावर को कैंसिल आउट करने का बहुत खाटी काम करता है यार वो, आई जस्ट रियलाइज लमाओ। स्मूदी इज़ अ योंगको कमांडर एंड दैट इज़ इनफ टू टेल हर दैट शी इज़ फकिंग स्ट्रॉन्ग। नंबर दो पे वो दूसरी कैरेक्टर आती है जिसने मेरे दिल में रॉबिन के साथ अपनी जगह बनाई है, इट्स यामाथो। ओके चलो इसका फीड्स बता के मैं मस्त वीडियो लंबा खींचता हूँ। यामाटो पहले उल्टी को वन शॉट की वाइल्ड वेयरिंग सी प्रिज्म स्टोन वाले कफ्स, फिर मोमो को रेस्क्यू की, फिर काइडो को बिजी रखी और काइडो को ट्रूली हर्ट की, काइडो के सर से खून गिरने लग गया था, फिर काइडो से बहुत गंदे से हाउशोकू इन्फ्यूज्ड कानाबो से मार खाई, सबको टैंक की अनलाइक सम कैरेक्टर जो कि दो बार सेम टाइप के अटैक से वन शॉट हो चुका है, प्लस उसने काइडो के बहुत से अटैक्स को खुद के अटैक से भी ब्लॉक किया, और अभी वो मोमो को उड़ना सिखाने के बाद निकल गई है वानों में एक्सप्लोसिव्स बुझाने। यामाटो को ऑफेंस की बात करें, शी कैन लिटरली डू कॉन्करर्स इन्फ्यूजन जो कि अभी के टाइम पे सिर्फ सात ही कैरेक्टर्स कर सकते हैं। यामाटो का डिफेंस इतना है कि वो काइडो के ऐसे अटैक्स को मल्टीपल टाइम टैंक कर सकती है जिसे चूतिया लूफी वन शॉट हो रखा है। यामाटो का एंड्योरेंस
इतना है कि अभी तक वो एक बार भी रेस्ट नहीं ली है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। अनलाइक टू फुद्दू कैरेक्टर्स जो कि अनजान दवाई और मीट खा के प्लॉट आर्मर के दम पे लड़ रहे हैं। द फैक्ट इज यामाटो इज वे स्ट्रॉन्गर देन एनीवन इमेजिन्ड। यामाटो सिर्फ जोरो सांजी से नहीं बल्कि 10-13 से पहले वाले लूफी से भी बेटर लड़ी है, और आई कैन डेफिनेटली से कि 10-13 वाले लूफी जो कि बेस फॉर्म में था उससे तो अच्छा ही लड़ी है काइडो से, इफ़ वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन फाइट्स। एक कैरेक्टर जिसके स्ट्रॉ हैट में आने के आइडिया से फैंस को डर लगता है कि कहीं मॉन्स्टर ट्रियो फक्ड अप ना हो जाए, एक कैरेक्टर जिसने सिर्फ 7 साल में अपना कॉन्करर्स हाथी खोल लिया था, एक कैरेक्टर जो कि एक फीमेल ओनी होकर भी खुद को ओडेन बोलती है, दैट इज़ हु यामाटो इज। एंड हर फीट टेल्स अस कि नंबर टू के पोजीशन को अब भी तो इससे कोई नहीं छीन सकता। नंबर वन से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस, ज्वेलरी बॉनी, डल फूड कूल है इसका, ये सुपरनोवा भी है बट मोस्ट लाइकली वीक है सुपरनोवा ही है, ब्लैकबेर्ड इसको वीक बोल के क्रू में नहीं लेना चाह रहा था। अपनी नामी स्ट्रॉन्ग है स्किल वाइज बट फिजिकली बहुत वीक है। सिराहोशी पोसाइडन है बट मैच्योर नहीं है एंड अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। पेरोना एंड शुगर दोनों के डबल फुट मस्त है बट मोस्ट लाइकली स्ट्रॉन्ग हॉकी वाले कैरेक्टर्स में इनका डबल फुट वर्क नहीं करेगा, प्लस दोनों ही फिजिकली वीक हैं। एंड लास्ट ऑनरेबल मेंशन वाइस एडमिरल सुरु, इसको लोगों को धोते हुए बस दिखाया है, वी कांट से हाउ मच स्ट्रॉन्ग दिस ब्यूटीफुल गैल इज। और शिनोबू को भी लूँ क्या, शिनोबू या फिर ओकीकू को, लेट्स जस्ट ड्रॉप देम, मराए उन लोग। नंबर वन बिग्गू मोमो, आई डोंट हैव टू टेल यू फीट्स राइट, She is the current most experienced Yonko after all. इसी के साथ ये टॉप 10 का लिस्ट होता है ख़त्म। इंस्टा डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिलीबिली को चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, सम ऑफ यू कैन से कि ब्रो तूने डेवोन को नंबर 10 पे रखा क्योंकि उसका फीड्स नहीं दिखाया, लेकिन वहीं पे तूने स्टसी को कंपैरेटिवली ऊपर क्यों रखा, उसका भी तो फीड्स नहीं दिखाया ना। द रीज़न इज़ कि डेवोन के पावर्स के बारे में अपने को लिटरली कुछ नहीं पता एक्सेप्ट दैट डेविल फ्रूट वाला चीज़, ना ही अपने को ब्लैकबेर्ड पायरेट्स के बाकी लोगों का करंट स्ट्रेंथ पता है, तो आई कांट रिलेट हर स्ट्रेंथ विद समवन। वेरे स्टसी के स्ट्रेंथ को अपन रॉब चूची एंड आंट्स आंट जैसे लोगों से रिलेट करके एक रैंक दे सकते हैं। डेवोन को लिस्ट में लिया ही बस इसलिए क्योंकि वो बीबी के क्रू की पार्ट है, बस दैट्स ऑल, उसका कुछ दिखाया नहीं तो कैसे लूँगा भाई भाई, बट ले लिया चलो ठीक है। ओके तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।